हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस। मैं अनुराग यादव। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के तीसरे पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाक्य के अंत में आपका या है, आ है, ई है, ए है आदि शब्द मिलेंगे। ये आपका पहचानने का तरीका है। वाक्य के अंत में आपको या तो या है, आ है, ई है, ए है आदि शब्द मिलेंगे। यहाँ पे आपका रूल लिखा गया है, ही सी इट या नेम सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। आपका दूसरा रूल यहाँ पे है, यू वी दे एंड आई ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे हैं और यहाँ पे आपका फार्मूला भी लिखा गया है। यहाँ पे फार्मूला है, सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। तो ये अफर्मेटिव के लिए है। यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल इसी पे देखते हैं। जैसे वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया है। अब जो ये वह दिया गया है, ये आपका सब्जेक्ट होता है ही। अब ही के साथ आपका बताया गया है क्या सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ क्या करना होता हैज का प्रयोग करना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज लिखे हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी यहाँ पे गया है, तो गया है, गो मीन्स जाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म गन, गन टू स्कूल। एक एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे वे मैदान में क्रिकेट खेले हैं। यहाँ पे जो वे है, वे आपका होता है दे, दे के साथ है, दे हैव, अब आपका वर्ब होगा प्लेड, दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब ये आपका अफर्मेटिव है। अब बात करते हैं निगेटिव की। तो आपको कुछ नहीं करना है। निगेटिव में होता क्या है कि आप जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हो, हैज हैव का प्रयोग किए हो, उसके हैज हैव के तुरंत बाद आपको क्या करना है, नॉट को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट को जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव और यहाँ पे नॉट को जोड़ दिए। यहाँ अफर्मेटिव की जगह आप क्या करते हैं, निगेटिव, निगेटिव। जैसे एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम खाना नहीं खाए है, हम खाना नहीं खाए हैं। अब यहाँ पे जो है आपका वी Have not eaten food. We have not eaten food. दूसरा एग्जाम्पल, जैसे गाय घास नहीं खाई है, गाय घास नहीं खाई है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, द काऊ हैज, द काऊ हैज नॉट ईटन ग्रास। ये आपका हुआ निगेटिव। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो
तो इंट्रोगेटिव यहाँ पे आपको दो तरीके से होता है। एक आपका होता है क्या करके, पहले लगा होगा सेंटेंस के पहले। एक होता है क्या, क्यों, कैसे, कौन, कितना करके, वाक्य के बीच में जुड़ा होता है। तो बारी बारी से दोनों का यहाँ पे अध्ययन करते हैं। पहले आते हैं जो क्या पहले हो, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो आपका जो क्या पहले होगा वो आपका होता है प्रश्नवाचक, यानी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब उसके लिए फार्मूला, फार्मूला जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले हो जाता है, जैसे हैज और आपका हैव हुआ है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको पहले कर देते हैं, बाकी जैसे लिखा था उसको वैसे लिख लेते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखे और आप लिखे अदर। अब यहाँ पे हैज और हैव के लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे देखते हैं। क्या रानी गाना गाई है, क्या रानी गाना गाई है। अब जो है यहाँ पे रानी के अनुसार हम है जब का प्रयोग करते हैं, तो रानी नेम है, नेम के साथ हम क्या करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। हैज रानी, रानी सुंग ए सॉन्ग। दूसरा एग्जाम्पल माता, सॉरी, क्या माता खाना पकाई है। अब यहाँ पे हैज द मदर, हैज द मदर कुक्ड फूड। ये आपका होता है जो क्या करके पहले होता है। अब देखते हैं इसके आगे जो क्या, क्यों, कैसे, कौन, कितना बीच में आते हैं उसको देखते हैं। तो वाक्य के जब बीच में आएंगे तो वो आपके क्वेश्चन वर्ड हो जाते हैं, वे आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन वर्ड हो जाएंगे तो उनकी अंग्रेजी को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख दिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जैसे वे नदी में क्यों नहाए हैं, वे नदी में क्यों नहाए हैं। अब ये जो है क्यों, ये आपका क्वेश्चन वर्ड होता है और हेल्पिंग वर्ब के पहले इसको लिखना है। तो क्या करते हैं, क्यों की अंग्रेजी को वाई, वाई। अब वाई के बाद यहाँ पे दे के अनुसार हैव, वाई हैव दे, दे बाथ इन द रिवर, इन द रिवर। दूसरा एग्जाम्पल वह, सॉरी, हाँ, वह निबंध क्यों लिखता, सॉरी, वह निबंध क्यों लिखा है, वह निबंध क्यों लिखा है। अब यहाँ पे क्यों, क्यों का वाई हैज ही के अनुसार हैज, यहाँ पे ही। अब यहाँ पे आपका जो लिखना है वो क्या होता है, राइट का रिटेन ऐसे, ऐसे एन ऐसे होता है, एन ऐसे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव आपका हो गया। अब इसके बाद जो होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो जैसे इंट्रोगेटिव होते हैं दो तरीके से, वैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आपके दो ही तरीके से होंगे। तो दोनों को यहाँ पे बारी बारी से देख लेते हैं जल्दी से।
इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो एक आपका क्या होता है कि वाक्य के पहले क्या करके और बीच में नहीं शब्द आता है, तो उसके लिए यहाँ पे फार्मूला आपका लिख दे रहे हैं, हैज हैव सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आपका अदर। तो एग्जाम्पल के जरिए इसको देखते हैं, जैसे क्या राहुल आगरा नहीं गया है, क्या राहुल आगरा नहीं गया है। अब राहुल के अनुसार यहां पे क्या करेंगे, हैज राहुल नॉट, वर्ब होगा आपका गो का गन होगा गन टू आगरा। एक एग्जांपल और, जैसे क्या हम स्कूल नहीं गए हैं, क्या हम स्कूल नहीं गए हैं। अभी जो क्या है, क्या हम के अनुसार यहाँ पे हैव वी नॉट गन टू स्कूल, ठीक। अब जो आपका क्या करके बीच में आता है, क्या कैसे और कौन, साथ में नहीं को भी लेके आता है, उसको यहाँ पे अब देख लेते हैं। तो उसके लिए फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ नहीं करना है कि आपको वही क्रिश्चियन वर्ड को पहले लिखना है। तो एग्जाम्पल के जरिए जल्दी से इसको देख लेते हैं, जैसे वे कॉपी पर क्यों नहीं लिखे हैं, वे कॉपी पर क्यों नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे क्यों जो है आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को हम पहले शो करते हैं वाई, दे के अनुसार यहाँ पे है, फिर आपका होगा दे, फिर होगा नॉट रिटेन ऑन द नोटबुक। एक एग्जाम्पल को और देखते हैं, जैसे रमेश अपने भाई के साथ बाजार क्यों नहीं गया है, रमेश अपने भाई के साथ बाजार क्यों नहीं गया है। तो यहाँ पे वाई है रमेश नॉट गन टू मार्केट, विथ हिज ब्रदर, ठीक है। तो ये आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।